हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 100% डिस्क यूसेज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। मैं कुछ आपको इजी स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद में आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले हमें विंडो प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है services.msc। आपको ये प्रेस करके यहाँ पे ओके पे करेंगे आप तो आपका एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सर्विसेज का, जिसमें आपकी सभी सर्विसेज होती हैं। एक के दूसरा स्टेप भी है जिसे आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। सिंपली आपको सर्च पे आना है और यहाँ पे आप टाइप करेंगे सर्विसेज। ये आपको ये सर्विसेज करेंगे, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज़ आएगी। अगर आपको वो नहीं करना तो आप यहाँ से सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं। इसमें ये आपकी सर्विसेज हैं, इसे आपको सिंपली डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक के हटा करके यहाँ पे आपको डिसेबल कर देनी है और यहाँ से आप अप्लाई करके ओके कर देंगे। ये सर्विसेज हमारे यहाँ काम की नहीं होती है और इसमें क्या होता है, ये मीन्स बिना यूज़ के आप ये रन होती रहती है बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से डिस्क पे यूसेज पड़ता है और आपका डिस्क यूसेज बढ़ जाता है। और उसी तरह एक और सर्विसेज है कनेक्टेड डिवाइसेस करके, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे कनेक्टेड डिवाइसेस प्लेटफॉर्म करके एक और सर्विस है, इस पे भी आप डिसेबल करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। ये सब करने के बाद में आपको एक बार अपना सिस्टम रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, आप यहाँ पे सर्च पे आएंगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना है डिस्क डिफ्रैगमेंट करके। आप डिस्क डिफ्रैगमेंट डिस्क टाइप करेंगे तो आपको ये आ जाएगा डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। आपको इसे सिंपली क्लिक करके ऐसे ओपन करना है और यहाँ पे आपकी जो भी ड्राइव होगी, सी में आपका सी विंडो आपका मेन है तो आपको सी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। आपको इसे वीकली में एक या दो बार आप इसे बैकग्राउंड में भी लगा करके छोड़ सकते हैं या कंटिन्यू होता रहेगा। और ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे से चेंज करके आपको क्या करना है, आप यहाँ पे डेली कर लीजिए। डेली के बेसिस में अपना बैकग्राउंड में डिफ्रैगमेंट होता रहेगा जिससे आपका डिस्क क्लियर रहेगा और यूसेज कम जाएगा। और इसको आप ऑप्टिमाइज भी, जब भी आप एक बार सिस्टम ओपन करिए वो ऑप्टिमाइज कर दीजिए इससे, ये ऑटोमेटिक भी बैकग्राउंड में होता रहेगा। इसको फिर आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है। टास्क मैनेजर आप ओपन करेंगे जैसे, तो आपको इस साइड में कुछ एक दिख रहा होगा स्टार्टअप्स, स्टार्टअप एप्स, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे सभी आपके एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे बैकग्राउंड में ओपन है। आपको क्या करना है, जैसे आपका ये एनीडेक्स है, इसे आपको क्या करना है, अभी ये वैसे ऑलरेडी डिसेबल्ड होगा, शायद हो सकता है आप में कोई और एप्लीकेशन हो। अगर वो आपके यूज़ का नहीं है और आप चाहते हैं कि वो जब हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो तो दोबारा वो ऑन ना हो, जब हमें काम पड़ेगा वो खुद से ओपन कर सकते हैं वो चीज़ें, तो आप उसको सिंपली यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। जैसे बिट टोरेंट हमें काम नहीं है तो इसे हम डिसेबल कर देंगे। IDM हो गया, इसे भी हम डिसेबल कर देंगे, हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो भी सर्विसेज हैं जैसे वन ड्राइव हो गई और भी हो गई सेंड एनीवेयर, ये भी जो भी आप में एप्लीकेशन होंगे जो लगता है आपके काम के नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये हमारे जैसे ही सिस्टम ऑन होता है ये अननेसेसरी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें सिर्फ मैन्युअली कुछ टाइम के लिए यूज़ करना होता है। अदरवाइज ये हमारे बैकग्राउंड में ये कंटिन्यू चलती रहती हैं जिसके वजह से हमारा डिस्क का यूसेज बढ़ता है। तो इसी वजह से हमारा 100% डिस्क यूसेज रहता है हमेशा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरा 0%, ये इतना यूज़ नहीं जा रहा है यहाँ पे। ये सब स्टेप्स करने के बाद में आपका डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक चीज़ ये भी है कि आपको अपना विंडो प्रॉपर डेली बेसिस पे चेक अपडेट करते रहना है। वैसे तो यहाँ पे एक सेटिंग होती है ऑटोमेटिक चेक अपडेट की, आपको डेली क्या करना है, यहाँ से डेली अपडेट को प्रॉपर अपडेटेड रखना है इसको, विंडोज़ को 11 हो या फिर 10 हो, आप में जो भी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। उसके बाद में आपको एक और स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ से टाइप करना है डिस्क क्लीनअप। आप यहाँ से डिस्क क्लीनअप, ये आ गया यहाँ पे डिस्क क्लीनअप को आप यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको अपना सी पे करना है क्योंकि आपका सी में मेन विंडो है। और यहाँ से आपको क्या करना है ना, यहाँ से आपको जो भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अभी सभी आपको यहाँ पे टिक करना है। ये हमारी कैश फाइल्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं जो कि जंक फाइल्स होती हैं हमारी, किसी काम की नहीं होती, जिसकी वजह से ये सब भी कुछ हमारी स्पेस भी ले लेते हैं और भी यूसेज चलते रहते हैं। तो आपको सिंपली बस यहाँ से टिक करके ओके करना है और यहाँ से आपको फाइल्स को डिलीट कर देनी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये। उसके बाद आप
का ये टोटली क्लीन हो जाएगा। अगर आप में अननेसेसरी कुछ स्टोरेज भी सेव हो रखे हैं यहाँ पे जो आपके काम की नहीं है, तो इसको करने के बाद आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये बस 2 मिनट में ही हो गया। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी ऐसी वीडियोस टेक्स रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।